तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये मेरे हाथ में वायरलेस माइक है। इसको इसमें डबल है आप देख सकते हैं और ओरिजिनल भी है। तो हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको क्या क्या इसके अंदर मिला है नहीं मिला है। तो ये मुझे बहुत काफ़ी सस्ता में मिल गया होलसेल रेट में। हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों मेरा नाम अशोक कुमार है और आप देख रहे हैं अशोक प्रीतम ब्लॉग। दोस्तों आज मैं बहुत दूर से चल के आया हूं, गांव से, अपने गांव से बिहार से मैं ब्लॉग करता हूं और वहीं से मैं चल के आया हूँ वायरलेस माइक लेने के लिए नई दिल्ली। दोस्तों तो मेरा किसी कोई दोस्त रहता है, मैं उसी के माध्यम से यहाँ आया हूँ और मैं यहाँ वायरलेस माइक खरीद के लाया हूँ गफार मार्केट से। और वहाँ पे मुझे बहुत सस्ता रेट में मिला है और वो जो है डबल माइक है दोस्तों, और मुझे होल सेल के रेट में मिल गया है। तो वहाँ पे तो मैं वीडियो बनाया नहीं हूँ क्योंकि मैंने किसी के मुंह से सुना था कि वहाँ पे अलाउड नहीं है, तो मैंने वहाँ पे बनाया नहीं, लेकिन लेके आया हूँ। मैं आपको दिखाऊँगा K9 वायरलेस माइक है, डबल है। तो दोस्तों उसके अंदर क्या क्या मिला है नहीं मिला है मैं आपको दिखाऊँगा। तो ये करोलबाग जो मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट बगल से इसका रूट जाता है और वहीं पे उसका थोड़ा अंदर गली में ये गफार मार्केट है, तो मैं वहीं से लाया हूँ। तो चलिए वीडियो को हम शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं कि वायरलेस माइक है। तो आप देख सकते हैं कि मेरे हाथ में ये वायरलेस माइक है। दोस्तों आप देख सकते हैं ये वायरलेस माइक है, मैं इसको ख़रीद के लाया हूँ। आप अच्छा से देख सकते हैं ये वायरलेस माइक है और इसका अनबॉक्सिंग करूँगा। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, मज़ा आने वाला है और इसमें क्या खास है नहीं है, क्या मिला है नहीं मिला है वो मैं आपको दिखाऊंगा। तो चलिए वीडियो को शुरू कर दें। तो दोस्तों मैं आपको दिखा रहा हूं कि ये मेरे हाथ में वायरलेस माइक है। इसको इसमें डबल है आप देख सकते हैं और ओरिजिनल भी है। यहाँ पर जो लाल इसका जो टिक लगा हुआ है यही इसका निशानी है और इसमें 20 मीटर की दूरी तक इसका रेंज है जो आवाज़ को रिकॉर्ड करता है। तो दोस्तों हम इसको अनबॉक्सिंग करते हैं और इसको क्या क्या इसके अंदर मिला है नहीं मिला है। तो ये मुझे बहुत काफ़ी सस्ता में मिल गया होलसेल रेट में। ऐसे तो सुनता हूँ 1000-1200 का भी मिलता है, लेकिन मुझे काफ़ी सस्ता रेट में मिल गया। तो वीडियो में बने रहिए अंत तक, मैं अंत में इसका रेट भी बता दूंगा। तो चलिए हम आपके सामने में अनबॉक्सिंग करते हैं क्या क्या इसके साथ मुझे मिला है नहीं मिला है। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैं इस तरह से खोल रहा हूँ, देखिए मैं इसको पहले ही कट में कर रखा हूँ और आपको दिखाने के लिए। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर में मुझे क्या क्या मिला है, आप देख सकते हैं। तो ये मेरे अंदर में मिला है, तो ये डबल माइक है, देखिए आप देख सकते हैं ये डबल माइक है। तो मैं इसको यहाँ पे रख देता हूँ और इसके अंदर एक रिसीवर मिला है दोस्तों, देखिए ये रिसीवर है, ये रिसीवर मिला है और ये एक दूसरी माइक है। ये दो माइक है दोस्तों आप देख सकते हैं और यहाँ पर एक कनेक्टर भी मिला है जो आईफोन के लिए है, लेकिन मेरे मोबाइल में नहीं लगेगा। तो चलिए हम इसको भी देखते हैं लगा करके और क्या क्या है इसके अंदर। वो तो डब्बा है, कुछ भी नहीं है और यहाँ पे कुछ लिखा हुआ है, इसमें चाइनीज भाषा में ज़्यादा ही रहता है। और एक डिब्बी है दोस्तों, आप देख सकते हैं ये डिब्बी है। तो इस डिब्बी के अंदर देखते हैं क्या है। तो इसमें टाइप सी वाला ये लीडे जो हम चार्ज करेंगे, इसको चार्ज होता है, ये इसको चार्ज करने के लिए है दोस्तों। तो हम इसको हम रख देते हैं और आगे का देखते हैं क्या होता है। तो चलिए इसको रखते हैं और इसको हम सेट करके देखते हैं। मेरे पास ये है तो दोस्तों अब हम इसको इसको हम इससे अटैच करते हैं। तो इसको ये इससे अटैच हो गया है क्योंकि अगर ये टाइप सी वाला मोबाइल होता तो डायरेक्ट इसके अंदर में लग जाता, आप देख सकते हैं डायरेक्ट अंदर में लग जाता, लेकिन ये टाइप सी वाला नहीं है, लेकिन ये नहीं लग रहा है दोस्तों, आईफोन का है दोस्तों। तो ये मुझे दूसरा लेना पड़ेगा, तो ये आईफोन वाला दे दिया है क्योंकि इसके अंदर में किसी किसी में 2-3 दे देता है, जो भी इसमें सेट होता है वो कर लेता है, लेकिन मेरे पास कुछ भी नहीं मिला है। तो मुझे सिर्फ टाइप सी वाला मिला है और आईफोन वाला मिला है। तो आईफोन तो मेरे पास है नहीं, ये रेडमी का मोबाइल है
ऑक्सिनी 7 है, तो मुझे या तो मोबाइल लेना पड़ेगा या तो इसका कनेक्टर जो है वो मुझे दूसरा लेना पड़ेगा। तो दोस्तों बाज़ार में मिल जाता है 40-50 रुपए में, वैसे मैं अनुभव कर रहा हूँ, लेकिन देखना पड़ेगा कि वाकई में मिलता है कि नहीं मिलता है। तो मैं इसके आगे का भी वीडियो बनाऊँगा, तो इसमें तो लग नहीं रहा है। अगर आपके पास आईफोन वाला है तो आईफोन में सीधे लगाइए और कनेक्ट हो जाएगा। अगर आपके टाइप सी वाला है तो टाइप सी वाला यहाँ से छुड़ा करके यहाँ से लगाइए, ये बिल्कुल डायरेक्ट हो जाएगा और फिर ये कनेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों ये जो मुझे 2 मुझे मिला है और बड़ी सस्ता में मिला है दोस्तों। तो दोस्तों क्योंकि इसके आगे तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि अभी मैं लेके आया हूँ और आपके सामने दिखाया हूँ। तो मैं अगला वीडियो बनाऊँगा और कनेक्टर अगर मुझे बाज़ार में मिल जाता है तो उससे हम लेकर के फिर से वीडियो हम बनाएंगे और कनेक्ट करके दिखाएंगे। तो दोस्तों ये मुझे गफार मार्केट में मिला है जो करोल बाग में, मैं बिहार से चल के आया हूँ, मैं गांव से ब्लॉग करता हूँ। मेरे चैनल पर जो भी वीडियो दिखेगा वो गांव से रिलेटेड है दोस्तों। तो मैं ऑफलाइन ही मंगाया हूँ, ऑनलाइन नहीं मंगाया हूँ। तो मैं गफार मार्केट आया हूँ और गफार मार्केट जो करोल बाग रेलवे मेट्रो स्टेशन है उसके जस्ट बगल से इसका गली है, उसके अंदर में है दोस्तों। तो वहाँ पे वीडियो बनाना अलाउड नहीं, कोई कोई बोलता रहता है, तो इसलिए मैंने बनाया नहीं था। तो यही सब कुछ दिया है, तो K8 लीजिएगा तो उसमें K8 वाला में भी सेम प्रोसेस यही रहता है, उसका कम प्राइस है और इसका उससे 100-150 रुपये ज़्यादा है। तो मुझे ये डबल वाला मिला है। तो दोस्तों देखिए और ओरिजिनल का पहचान देखिए, यहाँ पे जो है लाल रहेगा और दूसरा इसमें हैंडल रहेगा। किसी यूट्यूबर ने बताया था कि इसमें हैंडल नहीं है, ठग लिया है, तो मैंने इसको ज़्यादा ध्यान दिया है कि दोनों का। तो मुझे ओरिजिनल मिला है लेकिन है तो चाइनीज। जैसे ये कनेक्टर मुझे मिल जाएगा तो मैं आगे का वीडियो भी बना दूँगा और जो भी होगा जैसा भी होगा मैं आपको दिखाऊँगा। तो मैं यहाँ आया हूँ किसी दोस्तों के माध्यम से, तो मैं वीडियो बनाऊंगा और यहाँ का ब्लॉगिंग भी करूँगा, आप लोगों को दिखाऊंगा यहाँ का इंडिया गेट, यहाँ का कुतुब मीनार, जो भी कुछ है जो भी मैं दिखाऊंगा। तो मैं ये वायरलेस माइक ले लिया हूँ और कनेक्टर ले लूँगा, उसके बाद मैं इसका आवाज़ भी टेस्ट करूँगा दोस्तों। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू, धन्यवाद। इसलिए इसी तरह से नॉलेजफुल वीडियो हम आपको लोगों को दिखाते रहेंगे और ला करके आप लोगों को बताते रहेंगे। तो वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो जो भी देखिए दोस्तों यही इसी का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि ये आईफोन वाला है, आपको चाहिए कनेक्टर वो एंड्रॉयड वाला, और या तो टाइप सी है तो डायरेक्ट उसमें लग जाएगा। तो चलिए वीडियो को एंड करते हैं।